स्वास्थ्य रेखा शास्त्र के बारे में हम सभी के मन में जिज्ञासा रहती है। बहुत सारे पर्वत, क्षेत्र, उंगलियों के अलग अलग नाम, और इनको हम जब भी देखते हैं अपनी हथेली पे, हम सभी के मन में यही जिज्ञासा होती है मित्र कि कैसे ये हमारे शरीर पे काम करता है। तो इन सब को देखने के लिए, इन सब को जानने के लिए मैं आपको बहुत सरल सरल सा ट्रिक बता रहा हूँ, और इन उपाय के द्वारा, ट्रिक के द्वारा, इन विधियों के द्वारा आप अपने हाथ को आराम से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सरल बात है मैं उसको आप लोगों को बताना चाहूँगा। हथेली में सबसे पहले देख लीजिए पर्वत। पर्वत का मतलब होता है उठा हुआ क्षेत्र। अगर बुध का पर्वत है तो आप यहाँ का क्षेत्र आप देख लीजिए, बुध पर्वत लिखा है, अपनी हथेली को रख लीजिए। अब बोलते हैं कि जो पुरुष है उनको सीधा हाथ दिखाना चाहिए और स्त्रियों को उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर पुरुष लेफ्टी है तो उनके लेफ्ट हैंड को भी एक बार देख लेना चाहिए, बिना दोनों हाथ के सही परीक्षण के हम ऐसा नहीं देख सकते। रेल गाड़ी में जिस प्रकार से हर एक नट की, हर एक हिस्से की अलग महत्ता है, वैसे ही हमारे शरीर में हर अंग की, और वैसे ही हमारे हस्त रेखा में हर एक रेखा की महत्ता है। कई लोग बोलते हैं कि किसी का हाथ अगर नहीं है तो क्या उसका भाग्य नहीं बनेगा? तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा मित्रों कि कर्म ही भाग्य बनाता है, विशेष रूप से आपका कर्म ही आपका भाग्य बनाएगा। लेकिन यह जो विधि है, यह देखने की विधि है, यह बदलने की विधि नहीं है। हस्तरेखा के बारे में आइए मुख्य बात को जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास हथेली, अपनी हथेली या मित्र की या जिनकी भी हथेली देखना चाह रहे हैं, हमको पहले जानना चाहिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले ये छोटी अंगुली, कनिष्ठिका, सबसे छोटे कनिष्ठा बोलते हैं, अनामिका, उसके बाद वाली, उसके बाद मध्यमा, फिर तर्जनी, और सबसे मुख्य रूप से अंगूठे को माना गया है। बोला जाता है अगर अंगूठा नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे कार्य में समस्याएं आ सकती है। अंगूठे में तीन, सभी अंगुली में वैसे तीन कोर माने जाते हैं। अंगूठा जो है यह विशेष रूप से हमको इच्छा शक्ति बताता है, यहाँ का क्षेत्र, और ये पहला जो पोर है ये इच्छा शक्ति को ही विशेष रूप से बताता है। और इच्छा शक्ति के साथ ही साथ हमको यहाँ का जो क्षेत्र है वो तर्क शक्ति, दूसरा वाला, ये बताता है। साथ ही बोले कि अगर इसके पास का ये जो क्षेत्र है ये निम्न मंगल बताता है। अगर यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएँ हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा हिंसा, क्रोध, हथियारों के हाथ पे ये ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कटी पटी निशान पड़ती है, ज़्यादा लालिमा लिया हुआ ये क्षेत्र होता है। ये गुरु परत होता है, यह धर्म, यश, मान, नेतृत्व और महत्वाकांक्षा को बताता है। शनि पर्वत है अध्ययन, चिंतन, घृणा, अंधविश्वास, वीरता, निराशा, घुटन जैसे कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी बताता है। लेकिन व्यवसायी के लिए शनि बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यवसाय में धैर्य बहुत जरूरी है, सरकारी नौकरी में भी इसकी महत्ता हो जाती है। अब आते हैं सूर्य पर्वत, यह यश, प्रतिभा, प्रतिष्ठा, कला, सफलता, महानता, तेज और सम्मान यह बताता है। अब बुध में आते हैं, तो बुध यानी वाणी का कारक हो गया। तो वाणी के कारक के लिए व्यवसाय, विज्ञान, चतुराई, बुद्धि, ये सभी यहाँ से बताता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह, ये जो ऊपर के जितने भाग हैं यहाँ तक, ये तीनों उंगली के भाग जो हैं, ये मानसिक विश्व बताता है। यह हमारे मन के भाव को यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। यहाँ बुध पर्वत के नीचे में जो छोटा सा ये जो भाग आता है, इसको ऊर्ध्व मंगल बोलते हैं, उच्च का मंगल बोलते हैं। यहाँ का भाग उठा रहना चाहिए, यहाँ का भाग नीचा रहना चाहिए। तो अगर यह उठा है और पुष्ट है, अच्छा है, यहाँ ज़्यादा कटी पटी निशान नहीं है, तो यह हमारे साहस को बताएगा, संतुलन को, नियंत्रण और शक्ति को बताएगा। अब इसके जब नीचे आएंगे तो ये पूरा क्षेत्र जो है चंद्रमा का क्षेत्र माना गया है। ऊपर का क्षेत्र इसको है जो कल्पना और रहस्य को बताता है। उसके नीचे का मध्य चंद्रमा है, यह स्वार्थ और वासना को बताता है। और उसके और नीचे में आएंगे तो पूर्ण रूप से है, यह कलात्मक प्रवृत्ति को बताता है। अब हमारे जीवन में सभी चीज़ है, सूर्य से मान प्रतिष्ठा मिल जा रही है, शनि से धैर्य आ जा रहा है,
गुरु के माध्यम से सम्मान मिल रहा है, बुध के माध्यम से हमको विशेष रूप से वाणी शक्ति मिल रही है, और मंगल के द्वारा हमारे शरीर में जैसे हनुमान जी में ताकत था, शौर्य था, साहस था, वो सभी हमें मिल रहा है। चंद्रमा के द्वारा हमको मिल रहा है मानसिक शांति। लेकिन अगर हमारी हथेली में ये सभी पुष्ट हैं, अगर शुक्र पुष्ट नहीं है, जैसे बिना नारी के पुरुष अधूरा है, ऐसे ही शुक्र पर्वत अगर यहाँ पे पुष्ट नहीं है तो आपको विशेष रूप से सहानुभूति, कला, हास्य प्रवणता, प्रणय, वासना आदि का सुख नहीं मिल पाएगा। आपको विशेष रूप से सांसारिक सुख चाहिए तो शुक्र पर्वत की भी विशेष रूप से महत्ता बन पड़ती है। अब हम कुछ विशेष बातों को जानेंगे। अगर हम देखते हैं हथेली पे, आइए उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। ये सभी के भिन्न भिन्न हथेलियों के फोटो है मेरे पास, सभी का उनको बहुत सारे लोगों का देखना चाहिए, बहुत सारी रेखाओं को हम देखेंगे। ये जो क्षेत्र है इसको मानते हैं पूर्व जन्म का पुण्य का क्षेत्र माना गया है, और यह यहाँ पे अगर जौ जैसा बन जाए, ऐसे जौ के आकार में या छोटा सा आई के आकार में, तो जीवन के प्रथम भाग में यानी बचपने में ही राजयोग बना देता है। अगर ये मध्यम भाग में है, ऐसे बना हुआ है, तो ये मध्यम भाग में राजयोग बनाएगा, और अगर ये अंतिम में है तो जीवन के अंतिम काल में सुख हमको प्रदान करेगा। लेकिन अगर यह पूरे जीवन काल में ऐसे बना हुआ है तो ये हमको विशेष रूप से लाभ प्रदान करने वाला होगा। तो इसके साथ ही साथ हमको विशेष रूप से कुछ बातों को जानना है। जैसे किसी की हथेली अगर हमारे सामने में है, तो अगर सुंदर सुस्पष्ट लालिमा लिए हुए है, साफ सुथरी हाथ है, तो वही अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर बीच बीच में कटान वगैरह है तो नहीं। जैसे इनकी हाथ को हम लोग अगर देख रहे हैं तो इनकी हथेली देखिए मणिबंध से ये निकल के ये जो आई हुई है, और मणिबंध से निकलने के साथ ही साथ यह देखिए जाते जा रही है, जाते जा रही है, ये एकदम स्पष्ट रूप से हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर यहाँ पे काट छाँट रहे तो समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत सारी रेखाएं अगर एक जगह आकर के पुंज जैसा बने, बहुत सारी रेखाएं आकर के अगर मिल जाए, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए बहुत सारी रेखाएं आकर के मिल रही है, तो ये इनके मस्तिष्क रेखा के पास में ये पहला जो है वो जीवन रेखा है, ये इसको जीवन रेखा यहाँ से गिनना चालू करेंगे, यहाँ से ये, उसके बाद ये है मस्तिष्क रेखा है, ये है हृदय रेखा है, तो ये सभी चीज़ों को हमको जानना चाहिए। इसको जानने से हमको विशेष लाभ मिलता है। अब हम दूसरी बात देख रहे हैं कि अगर यह पीला लिए हुए लाल के बजाय, तो हमारे स्वास्थ्य को, समस्याओं को यहाँ पे बताएगा, निराशावादिता को भी बताएगा। लाल अगर किसी की रेखाएं हैं बहुत ज़्यादा तो उनकी प्रसन्नता को बताएगा, काली रेखाएं हैं तो निराशा को भी वह बताएगा। और अगर हम देख रहे हैं रेखाएं बहुत पतली पतली हैं, शांत है, अगर जैसे किसी के हाथ को देखते हैं उनके मुकाबले अगर इनके हाथ को देख रहे हैं, या फिर इनके हाथ को देख रहे हैं तो इनके हाथों में ज़्यादा रेखाएं हैं, तो यह विशेष रूप से कई प्रतिभाओं को ही बताता है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव को बता रहा है। देखिए इनका भाग्य रेखा जो है वो विशेष रूप से यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर ये जा रहा है, ये बहुत अच्छा इनको लाभ देगा, ऐसा ये माना गया कि इसकी हथेली में सबसे पहले देखें कि आयु कैसा है वो पता चल गया, दूसरा इनका जो मस्तिष्क वाली जो ये रेखा है, इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, यह मस्तिष्क रेखा नीचे जा रही है, इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति विचारों में बहुत ज़्यादा ढीलापन लिए हुए रहेंगे, यानी दूसरों के बातों को विशेष रूप से मानने वाले होंगे। साथ ही मैं देख रहा हूँ यह जो है एक हृदय रेखा ये जो निकल रही है, यह हृदय रेखा भी व्यक्ति के विशेष रूप से यह बुध बृहस्पति की ओर जा रहा है, यह इसको शिक्षक बनाने की ओर ले जाता है। साथ ही साथ ये आयु में भी जुड़ गया है, तो विशेष रूप से इनका जो हृदय है अंतिम में दीर्घायु बनाएगा। और इनके हथेली को जब हम लोग देख रहे हैं तो इसको देखते ही देखते हमको यह पता चल रहा है कि इनके सूर्य के पास ये रेखा इनको सरकारी नौकरी के योग बताते हैं, सूर्य की ये जो रेखा इनको सरकारी नौकरी के योग बना रही, कहीं ना कहीं आके ये जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते देखिए हम लोग देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से ऐसा करके ये एक योग बनते हुए यहाँ पे आके मिल गए हैं और यहाँ से ये निकल गए हैं, तो ये एक इनके भाग्य को बढ़ा रहा है। साथ ही यहाँ पे शनि का थोड़ा सा उठा हुआ इनको चिंता करने वाला बताएगा, जो परिवार के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं ऐसा व्यक्ति बनाएगा। साथ ही इनके हाथ पे यहाँ पे जौ बना हुआ है, यह जो जौ है
ये एक ओर से खुला है जो ये बताएगा कि इनका भाग्य कभी साथ देगा कभी नहीं, इसलिए क्योंकि एक तरफ से जॉ जो है खुला हुआ है, पूर्ण रूप से बना रहता तो बात अलग थी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी हथेली पे यहाँ पे बृहस्पति के पर्वत के पास, ये जो बृहस्पति का जो पर्वत है यहाँ पे भी क्रॉस बना हुआ है, ये यहाँ पे जो क्रॉस बना हुआ है ये इनको एक अच्छे सरकारी नौकरी के लायक बनाते हैं। और गुरु की सरकारी नौकरी का मतलब यही है कि एक शिक्षक बना सकते हैं, और यह हथेली विशेष रूप से एक शिक्षक की हथेली को दर्शाता है। यहाँ पे मणिबंश निकला हुआ ये जो जीवन रेखा है ये इनको विशेष रूप से उन्नति प्रदान करने वाला रहेगा, दीर्घायु प्रदान करने वाला रहेगा। यहाँ पे शुक्र पर्वत पे बहुत सारे पतले पतले लाइन हैं ज्वाला जैसे है, और यह पुष्ट है, यह इनके विशेष रूप से इनको सांसारिक सुख देने के लिए, घर परिवार मकान का सुख देने के लिए विशेष रूप से यह लाभकारी रहेगा। यहाँ पे एक त्रिकोण भी बना हुआ है मित्रों, आप देख सकते हैं यह त्रिकोण जो बना है यह इनको विशेष रूप से पैसे बनाने वाले, करोड़पति भविष्य में जल्द ही बनाने वाले एक योग बना रहा है। जैसे ही अगर आपकी कुंडली में अगर ऐसा है त्रिकोण योग तो बहुत अच्छा माना जाएगा। आज के अंकों में यहीं विराम दूंगा, अगले अंक में आपको और विशेष रूप से बातों को बताऊंगा। अगर लगता है कुछ वीडियो में अच्छी बातें आपको लगी तो अवश्य मुझे अपनी सलाह दे, राय दे, और अगर लगता है कुछ और जानना है तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। आप सभी का दिन शुभ हो मित्रों, जय सिया राम, जय जय सिया राम।